ओके हाय एवरीवन, आज इस सीरीज में फिर फाइल को ही मैं कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, तो इस फाइल में अभी तक जो तुमने रीड राइट के लिए फंक्शन देखा, दैट वाज एफ स्कैनफ। क्या था? एफ स्कैनफ। और क्या था? एफ प्रिंटएफ, है ना? ये जो तुम्हारा फाइल है वो क्या है? एक तो एफ स्कैनफ है और दूसरा क्या है? एफ प्रिंटएफ है। ठीक, तो ये हम लोग पढ़े थे। इसके साथ लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि ये सारे जो फंक्शन है ये किस लिए प्रयोग में आते हैं? प्रिंट एफ मतलब फाइल में राइट करने के लिए। कितना? वन वर्ड। ये एक समय में एक वर्ड को क्या करते हैं? राइट कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं। तो दैट इज मेन पॉइंट। क्लियर है ना? एकदम क्लियर है तुम लोग को कि जो एक वर्ड जैसे तुम लिखे थे सी इज गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसमें देखो कितना जो है तुम्हारा वर्ड हो गया, देख लो, है ना? तो इसमें वर्ड काउंट करो, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 वर्ड को क्या करेगा? रीड राइट करने का काम करेगा। तो याद क्या रखा हम लोगों ने कि एफ स्कैनफ और एफ प्रिंटएफ जो ये फंक्शन है ये किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो फाइल में एक पर्टिकुलर वर्ड को लिखने के लिए। अब इसी वर्ड को देखो, लास्ट वीडियो में हमने तुम लोग को बताया था कि अगर इसी वर्ड को मल्टीपल वर्ड को रीड करना पड़ता है या राइट करना पड़ता है, तो तुम उसको क्या कर रहे थे? एफ स्कैनफ को या एफ प्रिंटएफ को किस में डाल दिए थे? लूप में डाल दिए थे। क्लियर है? तो ठीक उसी तरीके से अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है एफ पुट सी। ठीक है, एफ पुट सी, इट इज वेरी सिंपल। देखो पुट मतलब क्या? रखना है कि नहीं? तो कहाँ रखोगे? तो फाइल में रखोगे। क्या रखोगे? तो सी फॉर कैरेक्टर। वेरी सिंपल, है ना? कि अभी भी तुम्हारा काम किस में हो रहा? फाइल में ही तो हो रहा है ना? तो फाइल में अगर तुम्हारा कैरेक्टर रीड या राइट हो रहा है, तो एक सिंगल कैरेक्टर को अगर करना है, मतलब पुट सी मतलब क्या? पुट मतलब फाइल में रखना, है ना? तो क्या रखेगा? बहुत सिंपल, कैरेक्टर। एक कैरेक्टर किस में रखेगा? फाइल में रखेगा, है ना? तो अगर फाइल में तुमको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर राइट करना है, तो व्हाट फंक्शन विल यू यूज? यू विल यूज एफ पुट सी फंक्शन। वेरी क्लियर। सिमिलरली अगर तुम देखो राइट ही कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है? एक वर्ड के बजाय कैरेक्टर को राइट कर रहा है। एट ए टाइम वन कैरेक्टर इट विल राइट इन टू फाइल। सिमिलरली अगर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर तुमको फाइल से रीड करना है कंटेंट को, तो व्हाट यू विल यूज, विच फंक्शन यू विल यूज? गेट सी, है ना? ये क्या हो जाएगा? गेट सी। गेट मतलब लेना। तो कहां से कैरेक्टर लोगे? फाइल से। पुट सी मतलब देना, राइट करना। कहां राइट करोगे? फाइल में। समझ में आ रही है ना बात मेरी? तो ये इसी तरीके से होगा। तो अब देखो इसमें क्या रखा है। अब ये इसके लिए भी एक प्रोग्राम बना लेते हैं। जो मेन बात था वो तो जब हम लोग समझ गए, तो अब कुछ खास बात तो रहा ही नहीं कि फाइल में जब मान लो कि अभी क्या कर रहे हो, राइट कर रहे हो सिंगल कैरेक्टर इनटू व्हाट? फाइल। तो क्या करोगे? मेन फंक्शन तो बनाओगे ही, है ना? यहाँ से क्या करोगे? मेन फंक्शन बनाओगे और जो हेडर फाइल है उसको इंक्लूड कर दोगे, studio.h। ये सब तो करना ही रहता हर एक प्रोग्राम में, सो इसमें भी कर दोगे, है ना? हम प्रोग्राम किस लिए लिखने जा रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर हेडिंग में दे देती हूँ। राइट सिंग राइट क्या राइट करोगे? कैरेक्टर, है ना? सिंगल कैरेक्टर इनटू फाइल, है ना? ये एक समय में एक ही कैरेक्टर को राइट करेगा। राइट सिंगल कैरेक्टर इनटू फाइल। अगर तुमको एक कैरेक्टर को किस में राइट करना है? फाइल में। ठीक है, तो कैसे राइट करोगे? तो देखो फाइल में जब हमको राइट करना है, तो एक बात तो तय है कि फाइल को क्या करना होगा, एक फाइल पॉइंटर तो बनाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक तुम फाइल पॉइंटर नहीं बनाओगे, तो जो ये फाइल एफ ओपन है ये जो कुछ भी रिटर्न करेगा, वेयर विल यू स्टोर? तो तुम कहोगे कि स्टोर करेंगे एफ पी, फाइल पॉइंटर में। अब यहाँ देखो एफ ओपन में क्या होगा? अब ये चूंकि राइट करना है तुमको फाइल में कैरेक्टर, तो मोड क्या लोगे? तो कहोगे राइट मोड लेंगे, और तो क्या लेंगे, है ना? राइट करना है तो राइट मोड में लेना है। फिर वही बात है कि अगर कंटेंट पुराना बचा के राइट करना है, तो कौन सा मोड लोगे? अपेंड मोड लोगे। सही जवाब, है ना? तो ए के जगह तुम अपेंड लोगे, लेकिन सिर्फ तुमको राइट करना है कैरेक्टर, पुराने कैरेक्टर से तुमको वास्ता नहीं है, तो फिर क्या लोगे?
राइट करें, राइट मोड में फाइल को खोलोगे। मान लो ये फाइल का नाम हमने दे दिया इनपुट डॉट टीएक्सटी। टीएक्सटी क्यों? क्योंकि टेक्स्ट लिख रहे हैं। एक्सटेंशन फाइल के टाइप को बताता है कि किस तरह का डाटा उसने स्टोर किया है। तो इट इज कॉल्ड फाइल नेम, इनपुट इज द फाइल नेम एंड टीएक्सटी इज द एक्सटेंशन। दिस शोज यू व्हाट कि दिस फाइल विल स्टोर व्हाट टाइप ऑफ डेटा, टेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा, है कि नहीं? तो टेक्स्ट टाइप जो तुम्हारा डाटा होगा वो कैसे स्टोर होगा? कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्टोर होगा, क्लियर? तो इस तरीके से तुम्हारा क्या हो गया, एफ ओपन हुआ। एफ ओपन मतलब क्या कि हमारा अगर फाइल ये पहले से क्रिएटेड है तब तो अच्छी बात है, और अगर ये क्रिएटेड नहीं है तो भी ये क्या करेगा, राइट मोड में, चूंकि हम फाइल को ओपन कर रहे हैं तो राइट मोड में क्या करेगा, फाइल को क्रिएट कर लेगा, है ना। लेकिन अगर यही रीड मोड में तुम फाइल को ओपन करते और पहले से फाइल एग्जिस्ट नहीं करता तो तुम क्या बोलोगे, तब तो फाइल क्रिएट नहीं करता, ये रीड मोड में फाइल एफ ओपन क्रिएट नहीं करता, लेकिन राइट मोड में तो क्रिएट कर लेता है अगर एग्जिस्ट नहीं करे तो। अच्छा चलो, जो भी वजह रहा हो, फाइल तुम्हारा ओपन हो गया, उसका एड्रेस किसमें चला गया, एफटी में। कहने की जरूरत नहीं कि ये जो एड्रेस है वो कौन सा एड्रेस है, फाइल का स्टार्ट एड्रेस। तो यहाँ पर हम लोग एक बना सकते हैं, ये एरिया मान लो कि तुम्हारा अलॉट हुआ इनपुट फाइल के लिए, है ना, ये इनपुट डॉट टी एक्स टी फाइल के लिए हुआ, और इसका मान लो इनिशियल एड्रेस क्या हो गया, 200, ठीक है। तो अब देखो, अगर इस फाइल में तुमको कैरेक्टर क्या करना है, राइट करना है ना, तो राइट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करोगे, जरा सोचो ना, इसको रटना नहीं है, देखो पुट करेंगे, है कि नहीं। फाइल में क्या करना है, राइट करना है, यानी फाइल में रखना है, दैट इज वाई वी विल यूज एफ पुट सी, है ना, सी फॉर व्हाट, सी इसलिए यूज करेंगे क्योंकि सी क्या है तुम्हारा, सी तुम्हारा क्या है बोलो, कैरेक्टर, कैरेक्टर रीड कर रहा है, एक ही कैरेक्टर हम चाहते हैं इसमें एक बार में रीड करे, तो इसमें क्या करोगे, मान लो सी ही तुम इसमें रीड करना चाहते हो, सॉरी राइट करना चाहते हो, तो क्या करोगे, सी जो कैरेक्टर है वो पास करोगे, और साथ में क्या पास करोगे, फाइल पॉइंटर, सही है कि नहीं, साथ में क्या पास करोगे तुम, फाइल पॉइंटर पास करोगे, ये तो करना ही पड़ेगा तुमको, है ना, कि भाई ये किस फाइल में ये कैरेक्टर लिखा जाएगा, तो एफपी फाइल में कैरेक्टर को लिखा जाएगा, वेरी क्लियर। तो इस तरीके से तुम्हारा क्या हुआ, एक कैरेक्टर तुमने इसमें फाइल में राइट कर दिया। तो तुम कहोगे कि प्रैक्टिकली ये तो होगा नहीं कि एक ही कैरेक्टर हम फाइल में राइट करेंगे, हमको तो मल्टीपल कैरेक्टर फाइल में राइट करना पड़ सकता है, तो तुम यह 100 कैरेक्टर मान लो फाइल में राइट करना पड़ सकता है, तो फिर तुमको अच्छी तरह समझ है, क्या समझ है बोलो, कि जब हमको 100 कैरेक्टर फाइल में अगर राइट करना है तो व्हाट यू हैव टू डू, दिस स्टेटमेंट विल रिपीट हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, कहोगे 100 बारी, एक बार में अगर ये एक कैरेक्टर लिख रहा है तो 100 टाइम्स में ये कितना कैरेक्टर लिखेगा, 100 टाइम्स, लेकिन ये 100 टाइम्स चलेगा कैसे, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है हमेशा की तरह, या तो एफ पुट सी 100 टाइम्स लिखो, जो तुम लिखोगे नहीं, है ना, तो फिर तुम क्या करोगे, तो कहोगे करना क्या है, इसको हम वाइल लूप में डाल देंगे, है ना, कोई सा भी लूप में डाल देंगे, तो चलो हम लोग वाइल लूप में इसको डालते हैं। तो जब इसको वाइल लूप में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमको कितना डालना है, 100 कैरेक्टर डालना है, तो टिल 100 तक चला देते हैं, और एफ पुट सी को क्या करेंगे बोलो, एफ पुट सी में सी को एफपी करेंगे, राइट करेंगे, लेकिन यहाँ एक चतुराई करना पड़ेगा, बोलो क्या, अगर मैं इस तरीके से सीधा सीधा एफ पुट सी को लूप में डाल दूंगी तो ये क्या करेगा, तो कहोगे करेगा क्या, आपने तो कैरेक्टर फिक्स कर दिया है, तो ये सी कैरेक्टर को क्या करेगा, 100 टाइम्स तुम्हारे फाइल में लिख देगा, दैट इज नॉट यू वांट, यू वांट व्हाट, यू वांट 100 डिफरेंट कैरेक्टर। तो अब बताओ 100 डिफरेंट कैरेक्टर अगर तुमको फाइल में लिखना है तो हु विल हेल्प यू, तो कहोगे वेरिएबल विल हेल्प अस, है ना, तो वेरिएबल हेल्प करेगा, तो अभी सी एच को चलो हमें कैरेक्टर वेरिएबल बना भी दिया, सी एच को एक कैरेक्टर वेरिएबल बना भी दिया, और इंटीजर एक आई ले भी लिया जिसको शुरू में 0 डाल दिया हमने, तो ये लूप तुम्हारा चल गया फटाफट, बढ़िया फर्स्ट क्लास। लेकिन इस सी एच में वैल्यू जाएगा कैसे, आखिर इस सी एच में क्या है अभी वैल्यू, है ना, जिसका डाटा इस फाइल में लिखा जाएगा, तो कहोगे कि ये सी एच में वैल्यू हम रन टाइम में डाल देते हैं ना, तो रन टाइम में जब तुमको डाटा डालना है, जो रन टाइम में तुम राइट
कीबोर्ड से डाटा इनपुट करोगे, उसको अगर तुम चाहते हो कि कैरेक्टर वाइज ये क्या करे, रीड करे 100 कैरेक्टर, तो व्हाट यू हैव टू डू बिफोर एफ पुट सी एच, तो कहोगे व्हाट वी हैव टू व्हाट, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्कैन कर लेते हैं, है ना, कि जो भी डाटा मेरा कीबोर्ड से आएगा उसको इसमें रीड करना है। तो कीबोर्ड से लाने के लिए डाटा तुम्हारे पास कौन सा फंक्शन है, बोलो, इसको थोड़ा नीचे कर दिया है ना, कौन सा फंक्शन है, तो कहोगे फंक्शन क्या सी है, स्कैनअप है, कौन सा फंक्शन है, बोलो, स्कैनअप है, कोई सा भी फंक्शन ले लो, स्कैनअप तो हर तरह के डेटा टाइप को रीड कर लेता है। तो ये सी एच में तुम क्या किया, कोई एक कैरेक्टर या कैरेक्टर इनपुट हुआ, उस कैरेक्टर को क्या किया, सी एच में वैल्यू चला गया और उसी वैल्यू को फाइल में क्या किया गया, राइट कर लिया गया। तो इस तरीके से अब यहाँ पर ये बाहर वाले फंक्शन की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो इसको बाहर कर दो। तो देखो कहने का मतलब क्या है कि तुम जो चाहो सो कर सकते हो, है ना, तुम्हारी समझ, तुम्हारे पास पता है कि हमारे पास ये फंक्शन उपलब्ध है और जैसा जरूरत रहेगा वैसा तुम उसका प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पर स्टेटमेंट जो है लूप चल रहा है तो 100 टाइम्स लूप चलेगा, ठीक है। तो अब यही 500 कैरेक्टर अगर तुमको राइट करना है तो कहोगे तो क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ 500 हम कर देते हैं, है ना। 1000 कैरेक्टर रीड करना है या राइट करना है, यहाँ क्या हो रहा है, रीड की राइट, तो कहोगे राइट, अभी तो आपने बताया पुट मतलब फाइल में रखना, तो राइट ही तो हो रहा है, क्लियर है ना। तो चलो ये हो गया मेरा 100 कैरेक्टर, तुम्हारा फाइल रीड कर लिया, ठीक है। तो अब इसी तरीके से राइट कर लिया, जैसे इसने फाइल में क्या किया, कैरेक्टर को राइट किया एक एक कैरेक्टर करके, तो तुम चाहो तो फाइल को क्या कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो। अब फाइल के साथ खासियत क्या है कि ये जो इनपुट डॉट टीएक्सटी है, इसमें जो कुछ भी तुमने 100 कैरेक्टर राइट किया है अभी, तो वो क्या हुआ, तुम्हारे कंप्यूटर में कहाँ है वो रखा हुआ, परमानेंट सेव हो गया है, कहाँ सेव हो गया है, परमानेंट सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो गया है ना। तो उससे फायदा तुमको क्या हुआ, उससे फायदा ये हुआ कि तुम चाहो तो जब तुम दूसरी बार इसको रीड करोगे तो दोबारा से ये कैरेक्टर इनपुट करने की जरूरत तुमको नहीं पड़ेगी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फाइल, यही ना ब्यूटी है फाइल का, यही ना खूबसूरती है कि हम कभी पहले इनपुट कर दिए हैं, बाद में भी उसको एग्जीक्यूट किया तो उस डाटा को हम रीड कर सकते हैं, यही तो इसकी खासियत है। ये क्या करता है, परमानेंट मेमोरी में इसको सेव कर लेता है। लेकिन अगर वही कोई डाटा तुम इनपुट करते हो रन टाइम में और उसको फाइल में नहीं रखते हो तो तुम्हारा डाटा क्या होता है, सेव नहीं होता, सही बात है ना। तो इस तरीके से तुम फाइल में एक एक कैरेक्टर करके क्या किया, राइट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग इसमें रीड करने का काम करते हैं। तो अगर तुम फाइल में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करोगे तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करने के लिए तुम किस फंक्शन का मदद लोगे, तो कहोगे इसमें कि अगर हम राइट के लिए पुट सी कर रहे हैं तो रीड के लिए क्या करेंगे, गेट सी कर लेंगे, है कि नहीं। तो हम यहाँ पर रीड के लिए क्या करेंगे, गेट सी करेंगे। तो इसको मैं मिटा दूं क्या, अब यहाँ पर मैं प्रोग्राम लिखती हूँ रीड के लिए, है ना। ये तुमने पहले राइट कर लिया इनपुट डॉट टीएक्सटी फाइल में और अब मैं इसमें राइट के बजाय रीड करने जा रही हूँ, ठीक है। दिस इज योर रीड, रीड सिंगल कैरेक्टर, नॉट सिंगल कैरेक्टर, अब सिंगल कहना तो उचित नहीं होगा, हाँ लेकिन शुरू में चलो सिंगल ही कर लो, फिर बाद में जैसे इसमें बढ़ा दिया वैसे इसमें भी बढ़ा लेना। तो अगर सिंगल कैरेक्टर या मल्टी कैरेक्टर तुमको रीड करना है तो ये लाइन मैंने इसलिए नहीं मिटाया कि फाइल का काम करना है तो आंख बंद के फाइल पॉइंटर तो तुमको चाहिए ही चाहिए, एप ओपन तो तुमको करना ही पड़ेगा। बस फर्क क्या होगा कि चूंकि तुम फाइल को किस मोड में खोलने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, रीड, तो तुम किस मोड में खोलोगे फाइल को, रीड मोड में, है कि नहीं। तो ये तुम्हारा रीड मोड में जब तुम्हारा फाइल खुल जाएगा तो तुम क्या लिखोगे, अब तुमको क्या करना है बोलो, फाइल से कैरेक्टर को रीड करना है, तो रीड करना है फाइल से, तो फाइल से उठाना है, दैट इज व्हाई यू विल राइट हियर एफ गेट सी। देखो कितना अच्छे तरीके से नामकरण किया गया है, ये सब इनबिल्ट फंक्शन है, पहले से ही बना हुआ है, इसीलिए हम लोग का काम इतना आसान हो जा रहा है। हमारे पास सब फंक्शन पहले से बना हुआ है, बस उस फंक्शन को यूज करके हम अपना काम कर रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो एफ गेट सी जो है तुम्हारा, ये क्या हो रहा है कि एक कैरेक्टर को सी मतलब एक कैरेक्टर को रीड करेगा, एफ मतलब फाइल से रीड करेगा, किस फाइल से रीड करेगा उसको आप तुमको देना पड़ेगा।
तो जो फाइल तुम रीड करोगे उसका एड्रेस किसके पास है? एफपी के पास है कि नहीं, फाइल पॉइंटर के पास। तो ये जो कैरेक्टर है ये क्या करेगा, एक कैरेक्टर को रीड करेगा फाइल। अब तुमको पढ़ाया था मैंने कि रीड मोड में जब कोई फाइल खुलता है तो जैसे इसमें मान लो सी इज गुड प्रोग्रामिंग लिखा है हमने, सी इज गुड, ठीक है। तो जब ये रीड मोड में खुलेगा तो कहां पर पॉइंटर पॉइंट करेगा? फर्स्ट कैरेक्टर को। तो ये किस कैरेक्टर को रीड करेगा? एफ गेट सी, फर्स्ट कैरेक्टर को। और उसके बाद पॉइंटर को खुद से किस में बढ़ा देगा? सेकेंड कैरेक्टर पर। ये हम लोग को करना नहीं पड़ता लेकिन अंदर में ये सब हो रहा होता है, ठीक है। तो जब तुम उसको सेकंड कैरेक्टर पर बढ़ जाएगा तो क्या यही सेम स्टेटमेंट लिखेगा, करेगा, रीड करेगा, लेकिन ये दोबारा से एग्जीक्यूट हो। तो दोबारा से एग्जीक्यूट करने के लिए तुमको फिर से लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ठहरते हैं, तुम घबराओ नहीं, मैं बड़ी इत्मीनान से बताऊंगी कि एफ गेट सी तुम्हारा क्या हुआ। एक कैरेक्टर रीड किया, नो प्रॉब्लम, कि भाई रीड मोड में फाइल खुला, फर्स्ट कैरेक्टर को वो पॉइंट कर रहा होता है, तो पहला कैरेक्टर इसने रीड कर लिया। तो क्या ये तुमको दिखाई देगा? तो बोलोगे बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। ये कैरेक्टर जो है वो कहाँ रिटर्न हुआ? इस प्लेस पर रिटर्न हुआ जहाँ ये फंक्शन क्या हुआ है, कॉल हुआ है। तो इसको तुमको किसी यहाँ जब रिटर्न होगा तो हम हमेशा क्या पढ़ते हैं कि इसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो इसको कहाँ स्टोर करोगे? तो सी एच एक कैरेक्टर वेरिएबल में ही करना पड़ेगा, क्योंकि फाइल से तुम कैरेक्टर रिसीव कर रहे हो तो कोई कैरेक्टर वेरिएबल में ही ना डाटा को रखोगे। अब नहीं तो चाहो तो इस फंक्शन को डायरेक्ट स्कैनफ में डाल दो, तो अभी घबरा जाओगे, तो ऐसा मत करो। इतनी बात तो तुमको समझ में आ रही है ना? छोड़ो, बाकी बात को हटाओ। ये बहुत सिंपल तरीका मैंने बताया कि एफ गेट सी क्या करेगा, सिंगल कैरेक्टर यानी सी को रीड किया और उस सी को किसमें डाल दिया? सी एच वेरिएबल में, है ना। सी एच भी कुछ और नहीं है, कैरेक्टर वेरिएबल है, दैट इज व्हाई इट विल असाइन सी इनटू सी एच वेरिएबल, ठीक है। जब ये सी एच वेरिएबल में डाल दिया तो सी एच के बाद कौन सा नेक्स्ट कैरेक्टर तुम रीड करोगे? आई, है ना। तो आई को रीड करने के लिए कुछ करना नहीं है, पॉइंटर तो ऑलरेडी आगे बढ़ गया है, लेकिन इसी फंक्शन को कॉल करना है। तो अगर तुमको सिंगल कैरेक्टर ही रीड करना है तब तो यहाँ प्रिंट कर लोगे सी एच, काम खत्म, ठीक है भाई। फाइल से रीड करके डाटा इसने किस में रख दिया? सी एच में, और सी एच को प्रिंट करो, स्क्रीन पर सी तुमको दिख जाएगा। लेकिन जब तक तुम स्क्रीन पर सी एच को प्रिंट नहीं करोगे वो तो इसी मेमोरी एरिया में है जो तुमको विजिबल नहीं है, ये सब हम लोग को पता है भाई। पर अगर मल्टीपल इससे एक कैरेक्टर हमको रीड करना है तो फिर तुम क्या कहोगे कि इसको तो फिर क्या ही कहेंगे मैम, इसको लूप में डाल दीजिए और तो क्या, है ना। तो जब तुम इसको लूप में डालोगे तो मैं क्या करूंगी, यहाँ व्हाइल लूप लिखूंगी और तो क्या ही करूंगी, है ना, कि भाई ये जो स्टेटमेंट है ये बार बार करता रहे, कब तक? तो कहोगे जब तक मेरा एंड ऑफ फाइल ना मिल जाए। अगर तुम चाहते हो कि एक एक करके फाइल का सारा कैरेक्टर रीड हो जाए तब तो तुम इस स्पेशल कैरेक्टर को लिखोगे, है कि नहीं। एंड ऑफ फाइल हम लोग क्या पढ़े थे कि एंड ऑफ फाइल खुद से लास्ट में जो कैरेक्टर होता है उसको सिस्टम क्या करता है, डाल देता है, है ना। तो यहाँ पर एंड ऑफ फाइल तुम्हारा सिस्टम ने क्या किया, डाल दिया। तो जैसे ही ये पॉइंटर कहाँ पहुंच जाएगा, एंड ऑफ फाइल पे, ये लूप क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि नॉट इक्वल टू एफ जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना। जब ये कैरेक्टर एंड ऑफ फाइल रीड कर लेगा तब तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तब ये लूप रुक जाएगा। लेकिन अगर ये लूप नहीं रुका तो तुम क्या चाहते हो कि जो वैल्यू इसमें सी एच में आया वो स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। क्या हो जाए? प्रिंट हो जाए। तो परसेंट सी सी एच लिख दोगे, मालूम है तुमको, रीड कैरेक्टर इनटू फ्रॉम फाइल, है ना, कैरेक्टर्स फ्रॉम फाइल, है ना, कि सारे कैरेक्टर को तुमने क्या किया, फाइल से रीड कर लिया। अच्छा, ये जो पॉइंटर है, जैसे अब की बार ये आई प्रिंट करेगा, अब सी एच का सी के जगह क्या ये लिखेगा, आई, तुम्हारा स्क्रीन पर सी आ गया, फिर आई प्रिंट करेगा, फिर सी एच में क्या साइन करेगा, एस। तो क्या ये सब इंक्रीमेंट तुमको करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। कहोगे अभी तो आपने बताया, अभी हमने क्या बताया कि एक कैरेक्टर को रीड करके फाइल का पॉइंटर खुद से उसको नेक्स्ट में मूव कर देता है ना, बस तुम्हें जरूरत क्या है, इस फंक्शन को दोबारा से कॉल करने की। सो तो ये होता ही रहेगा, क्योंकि जब तक हम इस ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगा ये एग्जीक्यूट होता रहेगा और ये एफ गेट सी उसको क्या करेगा, नेक्स्ट कैरेक्टर को प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं, बोलो।
हमको लगता है सबको समझ में आ गया। तो ये इस तरीके से तुमने देखा कि अगर तुमको क्या करना पड़े कि मान लो एक लाइन में तुम्हारा क्या हो जाए कैरेक्टर काउंट है। देखो अब अपना तुम बुद्धि लगाना, ठीक है ना, कि अगर तुमको क्या करना है फाइल के सारे कैरेक्टर को काउंट करने का प्रोग्राम लिखना पड़े, तो कहोगे नो प्रॉब्लम मैम, इट इज वेरी सिंपल। व्हाई? क्योंकि तुम कहोगे ऐसा करते हैं ना कि हम एक काउंट वेरिएबल ले लेते हैं इंट सी, है कि नहीं, इंट सी बराबर जीरो, और हम क्या करेंगे जब जब ये कैरेक्टर रीड करेगा सी को कितना से बढ़ा देंगे, सी प्लस वन से, कहोगे कि नहीं। क्योंकि ये तो देखो काउंट क्या कर, ये क्या कर रहा है, एक कैरेक्टर को रीड कर रहा है, तो जितनी दफा ये लूप चलेगा उतना ही नंबर ऑफ कैरेक्टर ना तुम्हारे फाइल में है। बात समझ में आई कि कैरेक्टर को काउंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक काउंटर लगा देंगे सी इंटीजर टाइप, और उसमें क्या करेंगे वैल्यू को जीरो कर देंगे और बार बार एक से क्या करेंगे बढ़ाते रहेंगे। ऑनेस्टली बोलना, समझे कि नहीं। तो अब ये जो प्रोग्राम हो जाएगा, ये प्रोग्राम हमको क्या लिखना चाहिए, काउंट नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम फाइल, है ना, काउंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन फाइल, ठीक है ना। कि देखो एग्जाम में तो उस एग्जामिनर को तो मतलब क्वेश्चन सेटर को तो फुल फ्रीडम होता है तुमसे कुछ भी पूछने का, पूछना भी चाहिए, थोड़ा सवाल मुश्किल हो दिमाग में सोचना पड़े तो अच्छा भी लगता है कि हमने कुछ काम किया, है कि नहीं। तो देखो तुम आराम से सोचना, प्रश्न चाहे एग्जाम में कुछ भी आवे घबराना नहीं है, बड़े इत्मीनान से उस सवाल को पढ़ना और खुद के दिमाग पर भरोसा रखना है। तुम्हारे पास भी जो बुद्धि है, जो दिमाग है, वो बहुत पावरफुल है, उसका यूज करना है, समझे। जैसे अभी हमने यूज किया कि भाई अगर कैरेक्टर हमको काउंट करना रहा तो इट इज वेरी नॉर्मल कि हम काउंट क्या करेंगे, नंबर प्लस वन कर देंगे तो काउंट हो जाएगा। फाइल में इसी तरह का सवाल आता है, ठीक ना, तुमसे पूछ देगा कि फाइल में राइट कीजिए या रीड कीजिए, या फिर तुमसे पूछ देगा नंबर ऑफ लाइंस काउंट कीजिए, या तुमसे पूछ देगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट कीजिए। तो नंबर ऑफ लाइंस वाला पिछले वीडियो में प्रोग्राम बताया था और इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करने का प्रोग्राम बता दिया, है कि नहीं। तो इट इज एनफ, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, नंबर ऑफ कैरेक्टर को पहले तो इसमें देखो हम तुमको फिर से समराइज कर देते हैं। इस वीडियो में मैंने तुमको क्या बताया, पहले तो तुमको मैंने बताया कि किस तरह से कैरेक्टर को तुम फाइल में लिखते हो। तो कैरेक्टर को फाइल में लिखने के लिए कौन सा फंक्शन बताया मैंने, एफ राइट करना है, तो पुट करना है, तो ऐसे याद रखेंगे एफ पुट सी, ठीक है। तो एफ पुट सी को एक बार एग्जीक्यूट करोगे तो एक कैरेक्टर फाइल में राइट होगा, दो बार एग्जीक्यूट करोगे तो दो कैरेक्टर राइट होगा, तीन बार करोगे तो तीन कैरेक्टर राइट होगा। तो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कितना कैरेक्टर उसमें लिखना चाहते हो, तो उतनी दफा तुम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करोगे, इसलिए उतनी दफा लूप चला लोगे, क्लियर, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और क्या बात याद रखनी है कि हम इस एफ पुट सी में दो पैरामीटर पास करते हैं, एक तो वो कैरेक्टर जिसको कि तुम फाइल में क्या कर रहे हो, राइट कर रहे हो, दूसरा फाइल पॉइंटर। ये क्या बताता है कि ये जो कैरेक्टर हमने लिखा, ये कैरेक्टर तुम क्या है कि किस फाइल में राइट कर रहे हो, क्लियर। तो ये काम याद रहेगा हम लोग को। फिर दूसरा बात मैंने इसमें क्या बताया कि जब तुमको फाइल से कैरेक्टर क्या करना हो, रीड करना हो, तो तुमको फाइल से कैरेक्टर को क्या करना है, निकालना है। तो बोलो अभी क्या फंक्शन मैंने बताया, तो बोलोगे निकालना है, तो आपने गेट बताया, है कि नहीं। तो कौन सा, चूंकि ये फाइल का फंक्शन है एफ गेट सी, ठीक है, तो एफ गेट सी तुम्हारा निकाला तुमने, तो वो कैरेक्टर को क्या करेगा, एक कैरेक्टर को एक बार में रीड करेगा। और इसमें क्या करोगे, कितना पैरामीटर देने की जरूरत है, ओनली वन, कि भाई तुम किस फाइल से तुम कैरेक्टर को रीड कर रहे हो, तो वो फाइल पॉइंटर एक हम इसमें दे देंगे, है ना। एफ पी पुट में, एफ पुट सी में दो पैरामीटर जरूरी है और एफ गेट सी में सिंगल पैरामीटर, है कि नहीं। और फिर इस ये जो वैल्यू रिटर्न करके देगा उसको कैरेक्टर वेरिएबल में असाइन करके फिर उसको प्रिंट करके हम लोग देख लेंगे कि फाइल में क्या कैरेक्टर था, ठीक है। इसको अभी अगर हमको मल्टीपल कैरेक्टर रीड करना है तो लूप में चलाया, अभी तुमने देखा भी हमने जो बताया सो, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम अभी के क्लास में, इस वीडियो में हमने क्या देखा, एफ पुट सी देखा, एफ गेट सी का एप्लीकेशन देखा, और इसी एप्लीकेशन को यूज करके हमने क्या बनाया, हमने प्रोग्राम बनाया जिसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर फाइल का काउंट किया। तो एक काउंटर डाल करके उस लूप में डाल दिया कि एक से बढ़ाते जाओ जब तक ये कंडीशन
फॉल्स नहीं होता तब तक इसको क्या करो, ये चलाता रहेगा, तो बाद में जो काउंट यहाँ पर प्रिंट करोगे लूप के बाद, है कि नहीं, वही तुम्हारा नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या हो जाएगा, प्रिंट एफ कर दो यहाँ पर परसेंट सी, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इन फाइल, है कि नहीं, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इन फाइल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इन फाइल क्या हो जाएगा, सी, काउंट प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ प्रोग्राम को क्लोज कर दो, मेन को यहाँ पर हमने क्या किया, क्लोज कर दिया, तो इट इज एनफ टू यू। लास्ट जो है, तुमको दो फंक्शन और बताने की इच्छा है हमको, एक बार में देखो तुम सीख गए, एक बार में एक कैरेक्टर को फाइल में लिखना, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक वर्ड को फाइल में लिखना सिखाया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं तुमको एक लाइन को लिखना सिखा देती हूँ, और यहीं पर फाइल के प्रोग्राम को, फाइल को क्या करेंगे, सीरीज को बंद करेंगे, फिर कोई दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे इसी में, ठीक है, तो फिर हम लोग नए वीडियो में शुरू करते हैं उसको।